अयोध्या जाकर क्या करने वाली है? रामलला के दर्शन करेगी, उसके बाद उसके आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं तो पहले तो जाऊंगी, पहले तो मुझे यकीन नहीं होगा कि मैं सचमुच अयोध्या पहुंच गई, इतना संघर्ष करके मैं आई हूँ। फिर उसके बाद राम जी से बहुत सारी चीजें बोलनी है, मांगनी है, देश के लिए मांगनी है, अपने परिवार के लिए मांगना है, सबके लिए कुछ अच्छा ही मांगना है। नया साल लगा हुआ है, सबका अच्छा हो, मंगल हो, यही मैं कामना करती हूँ। देश का विकास हो, यही कामना। शबनम, शबनम जब निकल रही हैं और वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि शबनम हिजाब भी धारण किए हुए हैं, हिजाब भी उन्होंने ओढ़ रखा है, और साथ ही साथ राम नाम का झंडा, ध्वजा जो है उसको भी साथ में ले जा रहे देखिए सर, हिजाब मैंने ये सोच के नहीं पहना था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि बहुत ठंड है, कानों में हवा जाता है ना, बहुत बीमार पड़ जाता है इंसान, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बालों को सेफ महफूज रखने के लिए मैंने ये बांध रखा है और कान में हवा ना जाए इसलिए। और ये मैं ही नहीं, साड़ी पहनी हुई महिला बाइक से मैं देखती हूँ, मुझसे मिलने आती है, कहीं ना कहीं वो भी अपने सर पे टोपी वगैरह लगा कर रखती है। ठीक है, ठीक हाँ है, लेकिन एक लड़की होकर इतनी लंबी यात्रा करना, आपको नहीं लगा जब आपने तय किया होगा कि भाई घर परिवार वालों ने बोला होगा कि तू लड़के हैं साथ में, और आप इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे पूरा और लड़की होकर? देखिए, मेरे माँ बाप को मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ही है जो आज मैं इतना दूर पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ, और वो भी दो लड़कों के साथ। और वो लड़के नहीं है भाई, मेरी फैमिली है, वो हमारी, मेरी एक फैमिली बन बन चुकी है। हम सुख दुख में साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ हम चलते हैं, तो हमारा ऐसा ना फैमिली वाला व्यवहार हो गया है। फैमिली वाला व्यवहार हो गया है। बहुत सारे आप ही के